साउंड नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। ये पेडेस्टर का जो पाव है यहाँ से ये टूट चुका है, ये इसके लिए बदलना है, नया लेके आया है। यहाँ पे रोटर निकल चुका है, अब पेडेस्टर खोल रहे हैं। शाफ्टिंग पूरा नहीं रखेंगे, सिर्फ बॉडी जो है नई डालेंगे। पेडेस्टल का जो बॉडी है, ये वाला बॉडी जो है ये नया डालेंगे, और शाफ्टिंग जो है वो पुराना ही रहेगा। ये टूटा है, ये यहाँ पे इस तरह लगता था, ये टूटा था, ये ख़त्म हो चुका है, ये नया डालेंगे। शाफ्टिंग वही के वही रहेगा अपना, ये बॉडी नया डालेंगे, अपना निकाल लेंगे और इसमें जो है बॉडी नया डाल देते हैं। इसके साइड में बेरिंग के दो कवर आते हैं, पहले दो कवर खोलेंगे। 516 के बोल्ट आते हैं यहाँ पे, ये 516 के बोल्ट है, ये 516 के बोल्ट खोलेंगे, ये कवर यहाँ से अलग हो जाएगा, ये कवर यहाँ से अलग हो जाएगा। इसके अंदर बेरिंग है, बेरिंग भी वही के वही रहेगा, सिर्फ जो है हाउसिंग नया आएगा और ये कवर दोनों नवे आ जाएंगे जैसा उसमें है। शाफ्टिंग अपने वो वापस ले जाएंगे और शाफ्टिंग यही की यही उसके अंदर अपने डालने वाले हैं। दोस्तों वीडियो देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है 7.5 HP का ब्लोवर, 7.5 HP का ब्लोवर है ये। दोस्तों ये ब्लोवर का वाल है, ये वाल है, ये जो साइड है बड़ा वाला सर्कल वो इस पे जॉइंट होता है, और छोटी वाली जो फ्लैंज है वो यहाँ पे लग जाएगी, तो कुछ ये फिर यहाँ पे फिटिंग होगा। ये बैंड भी बीच में लगता है, ये बैंड दोनों साइड लग जाएगा, तो यहाँ से हवा खींचता है, वहाँ से अंदर लेके चिमनी में आउट कर देता है। बेरिंग भी गया है इसका, बेरिंग भी डालना ही पड़ेगा उसका। तो दोस्तों एक बाहर आ चुका है एक बेरिंग, अब दूसरा निकालेंगे। ये बेरिंग बाहर आ चुका है, अब ये बेरिंग बाहर निकालेंगे। दोस्तों पेडेस्टर खुल चुका है, ये इसका शाफ्टिंग हम वही यूज़ करने वाले हैं, बॉडी नया डालना है। ये बेरिंग भी चेंज करने का आ चुका है, बेरिंग भी सब फ्री हो चुका है, एकदम अंदर से प्ले हो गया है, इस वजह से बेरिंग भी नया ही डालना पड़ेगा। एक्चुअली वो खोलने के बाद ही पता चलता है बेरिंग की क्या कंडीशन है। हमने खोला तो बेरिंग का कुछ सही नहीं लग रहा है, बेरिंग गया है,
बेरिंग भी नया डालेंगे। ये पूरा खुल चुका है अब। अब इसमें से हम सिर्फ शाफ्टिंग यूज़ करेंगे, बाकी एक यहाँ पे ये ले लिया है। अब इसमें से ये शाफ्टिंग निकालेंगे और वही शाफ्टिंग लगाएंगे, क्योंकि इसका जो शाफ्टिंग है छोटा है और वो जो शाफ्टिंग वो एडिशनल शाफ्टिंग है, इसके लिए वही शाफ्टिंग हम यूज़ करेंगे। शाफ्टिंग उसका सही है, दोनों के दोनों जो छेड़े हैं जो बेरिंग साइज है वो एकदम सही है। और ये जो शाफ्टिंग है इसका लेंथ थोड़ा कम है, उसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से हम ये शाफ्टिंग चेंज करेंगे। दोस्तों यहाँ पे साइड पे चेंज कर रहे हैं, इसके लिए नीचे पछाड़ के हमने निकाला है, बाकी कंपनी पे हम प्रेस पे निकालते हैं इसको। शाफ्टिंग को प्रेस पे निकालते हैं, बेरिंग को भी प्रेस से दबा के ही करते हैं। अभी यहाँ पे अर्जेंसी था, काम रुका पड़ा है, इस वजह से अर्जेंट में हम इसको इस तरह से खोला है। नया ग्रीस लगा देंगे उसको। वैसे तो ग्रीस कब दिया है ऊपर, फिर भी फिटिंग करते टाइम ग्रीस लगा देते हैं। अब ये ढक्कन क्या करेगा दोस्तों, ये बेरिंग को सेटिंग करेगा। उसमें स्टेप दिया गया है, उसका जहाँ पे जगह है बेरिंग का एग्जैक्ट वहीं पे उसको ले आएगा। हमने टोक के अंदर बिठाया है 2-3 mm जैसा, और ढक्कन उसको प्रॉपर उसकी जगह पे ले जाएगा, बेरिंग को जहाँ पे एग्जैक्ट उसको बैठना है वहीं बैठेगा। देखिए यहाँ पे गैप है अभी, तो अभी ये धीरे धीरे टाइट होगा तो बेरिंग को अंदर दबा देगा। सामने सामने के टाइट करना। देखिए ग्रीस बाहर आने लगा। ये चिपक चुका है पूरा इसके साथ, इसका मतलब बेरिंग जहाँ पे सेट होना था वहीं पे सेट हो चुका है। साइड पे काम करने में बड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि सब प्रॉपर टूल्स मिलता नहीं है। यही चीज़ अगर अपने हमारी कंपनी पे होता तो हम आधे घंटे के अंदर ये काम फिनिश हो जाता था हमारा। साइड पे है इस वजह से थोड़ा देरी हो रहा है, तो काफ़ी टाइम साइड पे ही काम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लांट बंद होता है और प्लांट को तुरंत शुरू करना होता है, जैसा अभी हमारा ये बंद पड़ा है। इसके लिए हम इसको यहीं पे कर रहे हैं। अब पीछे का भी जो है वो भी टाइट कर लेंगे, एक बार खोल के इसको ग्रीसिंग करेंगे और ग्रीसिंग करने के बाद वापस इसको टाइट कर देंगे। अगर बेरिंग को टाइम टू टाइम ग्रीसिंग होते रहा तो कोई दिक्कत नहीं आता है, ग्रीसिंग अगर होता नहीं है तो दिक्कत आता है, क्योंकि टेम्परेचर भी साथ में होता है, और इस वजह से टेम्परेचर में बेरिंग जो है वो तुरंत ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ यूनिट है पेडेस्टर वगैरह, तो प्लीज़ टाइम टू टाइम उसको ग्रीसिंग करते रहिए, तो आपका बेरिंग जो है लंबे टाइम चलते रहेगा और कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो दोस्तों ये चीज़ खास नोट कीजिए, आप बेरिंग अगर है तो टाइम टू टाइम ग्रीसिंग कीजिए, वरना फिर 2-3 महीने के अंदर बेरिंग चेंज करना पड़ता है। वो कोई भी कंपनी का लो, आप एस्केप लो, कोई भी लो, उसको टाइम टू टाइम ग्रीसिंग चाहिए। इस तरह का इसमें स्टेप आता है, और स्टेप क्या करता है, बेरिंग को दबा देता है, जहाँ पे उसको सेट होना है वहाँ पे उसको वो सेट करता है। ये बेरिंग का कवर है, ग्रीस में ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है, जो स्टैंडर्ड ग्रीस होगा वो भी आप लगा सकते हैं।
दोस्तों ये ग्रीस कप है, इसमें ग्रीस भरा होना चाहिए। और ये जो है यहाँ पे इसको इस तरह लगा देना होता है। तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा ग्रीसिंग पे। आपके पास होगा कुछ अलग टाइप का ग्रीस कप होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर ग्रीस टाइम टू टाइम कीजिए उसको। दोस्तों यहाँ से जो है वो प्लेट जो है फाउंडेशन का क्रैक हो चुका है, इस वजह से जो है वो लग टूटा। दोस्तों यहाँ पे पेडेस्टल जो है हमारा फिटिंग हो चुका है, अब इसको सीधा उसके साथ जॉइंट करेंगे। अब इसको वापस जॉइंट कर देंगे उसके साथ। दोस्तों स्प्रिंग वाइसर भी लगाएंगे, डबल स्प्रिंग वाइसर रख देंगे ताकि वाइब्रेशन का कोई चांस ना रहेगा। स्प्रिंग वाइसर काफ़ी हद तक वाइब्रेशन नहीं होने देता है, इस वजह से हमने दो स्प्रिंग वाइसर रखे हैं। जनरल एक ही रखा जाता है पर तो हमने दो रखे हैं। और स्प्रिंग वाइसर क्या है कि एक बार टाइट हो गया तो वो नट को खुलने नहीं देता है, जो भी चाकी होती है उसको फुल टाइट कर देता है और उसको खुलने नहीं देता है, वो पकड़ लेता है उसको स्प्रिंग वाइसर। तो दोस्तों वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर नए व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोर जो है काफ़ी 0-0 है, इसके लिए थोड़ा ऑयल लगा देते हैं। बोर में भी लगा देंगे और पेडेस्टर की शाफ्टिंग पे भी लगाएंगे ऑयल, ताकि आसानी से जो है अंदर चला जाए। तो दोस्तों रोटर जो है लग चुका है, इसे टाइट करेंगे चाबी वगैरह डाल के। तो दोस्तों हमारा पेडेस्टर जो है यहाँ पे टाइट हो चुका है और आपका भी हमने अलाइनमेंट कर दिया है। रोटर भी जो है हमारा लग चुका है। दोस्तों ब्लोअर जो है अब चालू होने वाला है, अब हमारा जो है कंप्लीट फिटिंग हो चुका है यहाँ पे पेडेस्टर का। कोई साउंड नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है।